नागपुर के मेयो से कोरोना संक्रमित 3 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। देश में फैली इस महामारी के चलते जहां कई लोगों की जान जा रही है, वहीं उनका ठीक होना अपने में एक युद्ध में विजय हासिल करना है। उन्होंने अपने इस अनुभव को हमारे साथ साझा किया है, आइए देखते हैं। वहां का अनुभव ऐसा रहा, पहले तो मैं सबसे पहले भगवान परमात्मा का शुक्र गुजार हूँ जो हमको ऐसे कोरोना से नौजीवन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत ये उसकी शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ पर जैसे श्री रामचंद्र 14 साल वनवास भोग के अपने अयोध्या नगरी में आए, उसी तरह हम भी मेवा हॉस्पिटल में 14 दिन बिता के अपनी खामला नगरी में वापस आए हैं। और डॉक्टर लोगों का ऐसा है कि अपनी जान पर खेलकर और हमारे कोरोना पॉजिटिव की सेवा की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको सेवा का फल जरूर अवश्य मिलेगा, मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। उनके लिए सब कर्मचारी है, जो डॉक्टर्स है, पांडे राव, सबका मैं शुक्र गुजार हूँ कि हमारी बहुत बहुत सेवा की, अच्छे से सब टाइम से देते रहे, सब दवाइयाँ ये वो सब हमारा अच्छे से किया, धन्यवाद। दर्शकों को यही कहना चाहूँगी मैं कि आप अपना ध्यान रखें, जो मुख्यमंत्री है उनके आदेश का पालन करें और बाहर न निकले। हम जैसे जल्दी तुरंत से हॉस्पिटल में गए तो हमारा इलाज अच्छे से हो गया। आप भी अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भी कुछ नहीं होगा। और अपने अच्छे विचार रखें और अपने अच्छे वाइब्रेशन फैलाएं सबको, तो उससे अच्छा रहेगा, आपका भी फायदा है और सब बाकी लोगों का भी फायदा है नागपुर वासियों को। डॉक्टर लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, दवाइयाँ दी, हमारा बहुत ख्याल रखा वहाँ पे। हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे कि उनकी सब लोग उनकी बातें माने, गवर्नमेंट की बातें माने कि घर पे रहे और सुरक्षित रहे। यहाँ पर कुल 8 पेशेंट जो पॉजिटिव एडमिटेड थे, आज उनमें से 3 अन्य जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये 3 पेशेंट थामला क्षेत्र के रहने वाले हमने डिस्चार्ज किया था, उनके परिवार के सदस्य हैं। ये 3 पेशेंट जो है 26 तारीख को इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय IGGMC नागपुर में एडमिट हुए थे। 27 तारीख को इनका सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया था। 26 को एडमिट होने के बाद में तुरंत ही इनका सैंपल कलेक्ट किया गया था, लैब में भेज दिया गया था। 27 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद में पेशेंट जो है इन्हें तुरंत एडमिट किया गया, तत्काल जो है इनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया गया। आज जो है पेशेंट को 14 से 15 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। 14th day का सैंपल और 15th day का सैंपल पेशेंट का निगेटिव आया हुआ है। एज़ पर प्रोटोकॉल जो है, इस बारे में माननीय विभागीय आयुक्त श्री संजीव कुमार सर, माननीय जिलाधिकारी श्री रविंद्र ठाकरे सर, माननीय महानगरपालिका आयुक्त श्री तुकाराम मुंडे सर, माननीय पुलिस आयुक्त श्री उपाध्याय सर, माननीय अधिष्ठाता श्री केवलिया सर, इन सभी को इस बारे में पूरी सूचनाएं दी गई है। माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर केवलिया सर, इनके मार्गदर्शन में जो है ये पूरा ट्रीटमेंट इनका किया गया है। मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया है, उन्होंने भी कहा है कि पेशेंट अब पूरी तरह से स्वस्थ है। इन्होंने पूरे एक्सरे की जांच की है, अन्य सभी जांचें जो है पूरी हो चुकी है और एज पर प्रोटोकॉल अब पेशेंट जो है आज इन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27 है, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है और 5 ठीक होकर घर जा चुके हैं। यदि हम प्रशासन द्वारा दिए दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी तरह से कानून का उल्लंघन ना करें तो ये आंकड़े बढ़ेंगे नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, IBCN News नागपुर।